हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैं आज आपको एक नमकीन बनाना सिखाऊंगी। दो टाइप की सिखाऊंगी नमकीन। तो जैसे आपने देखा होगा दिवाली वगैरह में या किसी पूजा वगैरह में ये लाई आते हैं ना, जो अपन लोग प्रसाद मिश्री वगैरह डाल के इसको प्रसाद के उसमें बांटते हैं, तो मैं उस टाइप का। और सेकेंड ये दूसरी वाली है पोहा वाला, जो पोहा मतलब UPMP वाला बहुत कॉमन है और दिल्ली वाले भी जानते हैं, तो पोहा की बनाऊंगी। तो उसके लिए मैं ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ, जो जो आपके पास अवेलेबल है वो ले सकते हैं। जैसे मेरे पास मखाने थे, जो पिस्ता थे, और जो काजू बादाम और क्या बोलते हैं इसको मूँगफली भी यहाँ थी, जिसमें मूँगफली भी डल जाएगी, तो मैंने छील के सब रख दिए थे। तो उसमें आप सबसे पहले तेल गर्म कर लीजिए। उसके बाद जब थोड़ा सा तेल गर्म हो जाए, धीमी आँच में करिएगा, तो सबसे पहले आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल लीजिएगा। मखाने को सबसे लास्ट में डालना, क्योंकि मखाना बहुत तेल सूखता है ना, तो ज़्यादा तेल ले लेगा। तो सबसे पहले एक एक करके मतलब ड्राई फ्रूट्स अपना कर लीजिए, मखाने को लास्ट में कर लीजिएगा। मूँगफली को भी आप कर सकते हो, मूँगफली तेल नहीं लेती है। तो धीरे धीरे करके आप जो आप भी आपके पास घर पे ड्राई फ्रूट्स हैं तो आप उनको फ्राई कर लीजिए, और फ्राई करके उनको अलग कर दीजिए। चलो मैं भी ड्राई फ्रूट्स फ्राई करती हूँ फिर। तो सबसे पहले मैंने सोचा काजू में फ्राई करूँगी, तो काजू को पहले उसको तेल को धीमी आंच में कर लीजिएगा, ताकि तेज एकदम से करोगे ना तो जल जाएंगे, अंदर से पकेंगे नहीं। तो मैंने अपना काजू भी तल लिया था, फिर बादाम भी मैंने अपने कर लिया था लिया, तो मूँगफली भी छील के रखी थी उनको भी फ्राई कर लिया। और आपका जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं, ऐसा नहीं है कि यही डालना ज़रूरी है। एक बस ये एक ऐसी नमकीन होगी जो मतलब बहुत घर में कॉमन होती है, और मतलब आपको इजीली मतलब मिल भी जाएगी। तो आपको बाहर चाहिए वो तो ये लाई वगैरह मिल जाता है ऐसे। फिर मैंने लास्ट में मखाने को फ्राई कर लिया। फिर जब मखाने फ्राई हो जाएं, तो उसी तेल में आप थोड़ा सा यदि कम पड़े थोड़ा सा और डाल लीजिएगा। फिर जो लाई है उनको भी हल्का सा ब्राउन, ज़्यादा मत करिएगा ब्राउन, हल्का सा ब्राउन करके उसको भी आप निकाल लीजिएगा। सब चीज़ धीमी आँच में करिएगा, इसको ज़्यादा तेज़ आँच में नहीं करना। जब आपकी ये लाई थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, तो उसी में आप जितने आपके ड्राई फ्रूट्स थे सब इसमें डाल लीजिए, कढ़ाई में डाल देना, थोड़ा हल्का धीमी आँच रखना, इसको सारा मिक्स कर देना। और तभी आप नमक डाल दीजिएगा अपने स्वाद अनुसार, जिसको जैसा नमक पसंद होता है। और इसमें आप चाट मसाला भी डाल सकते हो, जैसे भुजिया होती है ना आप, मैंने मेरे पास थी नहीं अभी इस टाइम, मैंने जो पहले बनाई थी तब मेरे पास थी तो मैंने डाल दी थी। इस बार आप चाहो तो भुजिया नमकीन होती है वो भी डाल दीजिए, और चाट मसाला डाल दीजिए। यदि किसी को मिर्च पसंद है तो वो थोड़ा सा रेड मिर्च भी डाल सकता है, और यदि करी पत्ता है, मेरे पास करी पत्ता भी नहीं था, तो वो भी आप डाल सकते हो। तो इस टाइप से आप सारा मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा एक दो मिनट के लिए, ज़्यादा मत करिएगा वरना कड़ा हो जाएगा ये। तो ये बहुत सस्ता जुगाड़ है, और ये सस्ती नमकीन ना बहुत ही ज़्यादा एक रिच नमकीन होती है ना, कि सारे मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसमें है, तो एकदम अच्छी हेल्दी नमकीन बन जाए। चलिए दूसरी नमकीन भी बनाते हैं। तो उसके लिए आप उनको पोहा चाहिए होगा, तो ये इसको धोना नहीं है पोहे को, ऐसे पोहा ले लीजिएगा, और प्याज और मिर्च काट लीजिएगा, जो मैंने मूँगफली पहले से तल के रखी थी आप भी तल लीजिएगा। इसमें जीरा लगेगा और नींबू, चाट मसाला और नमक, इतनी चीज़ आपको लग जाएंगी। तो सबसे पहले कढ़ाई में तेल गर्म करते हैं, फिर उसमें थोड़ा जीरा डाल के, फिर उसमें आप प्याज मिर्च है उसको आप डाल दीजिएगा, और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ा इसको फ्राई कर लीजिएगा प्याज को। जब आपके थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने लगे, तो इसमें आप पोहा जो आपने था वो लेके डाल दीजिए, और इसको थोड़ा तेज आंच में ना आप इसको कंटिन्यू चलाते रहिएगा, क्योंकि चलाने से क्या होगा कि इसमें जो पोहा है ना फूलने लगे। जैसे पोहा ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेना, तो ये फूल जाएगा जब, तब इसमें आप नमक डाल दीजिएगा अपने स्वाद अनुसार। चाहो तो आप रेड मिर्च भी डाल सकते हैं, वैसे तो ग्रीन डाल ली थी, चाट मसाला डाल लीजिएगा या मैगी मसाला, तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता, तो वो था नहीं मेरे पास अभी तो मैंने सिर्फ चाट मसाला डाला है। तो इसके बाद भी आप थोड़ा सा एक दो मिनट इसको फ्राई कर लिए, ताकि पोहे में नमक चला जाइए। उसके बाद जो आपकी मूँगफली है, तो मूँगफली भी आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, और फिर उसमें जो लास्ट में जब थोड़ा सा गैस बंद करके, ज़्यादा इसको ज़्यादा देर नहीं चलाना, क्योंकि ज़्यादा देर चलाओगे तो एक कड़क हो जाएगा, तो बस फिर आप गैस बंद करके इसको कंटिन्यू चलाते रहना मूँगफली डाल के। मतलब गैस तब ऑन मत करिएगा, गैस तब ऑफ कर दीजिएगा, बस मूँगफली डाल के इसको दो मिनट के लिए चला लीजिएगा। उसके बाद जब थोड़ा सा हल्का सा ये ठंडा हो जाए, तब इसमें नींबू डाल लीजिएगा। तो ये भी झटपट वाली नमकीन है, तो ये भी बहुत हेल्दी नमकीन है, ये बच्चे वगैरह भी खा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में तो बच्चे को नमकीन पसंद होती है, पर मार्केट वाले पता नहीं कब की पैकिंग होती है, वो हेल्थ के लिए ठीक भी नहीं होती। तो ऐसी नमकीन आप घर पे ट्राई करिएगा, और यदि नमकीन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा, और ज़रूर ट्राई करना आप लोग घर पर इसको।